नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से तीन चीज़ों का यूज़ करके जो है बहुत ही बेहतरीन जो है केक बना सकते हैं, वो भी या तो प्रेशर कुकर में, या तो कढ़ाई में, या तो फिर इडली का जो बर्तन आता है उसके अंदर आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बोर्बोन जो बिस्किट आते हैं उसका यूज़ किया है, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा बिस्किट थे, उसमें से हमने 10 से 12 जो है बिस्किट लिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमने दूध लिया है, ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करेंगे, और एक चम्मच से थोड़ा सा कम जो है बेकिंग पाउडर लिया है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको हम क्रश करेंगे, इसमें दूध और ये दोनों चीज़ें मिला देंगे और फिर इसको बेक कर लेंगे। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है और ये फटाफट बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब जो है हमारे बिस्किट को हम पीस लेते हैं, बिस्किट को थोड़ा सा हम तोड़ के डालेंगे। इसको थोड़ा सा और पीसना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है बेहतरीन पाउडर बन चुका है बिस्किट का। तो इसको जो है बाउल में निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे गैस के ऊपर जो है ये हमने इडली का बर्तन लिया है, आपको कढ़ाई या तो कुकर कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो इसके अंदर इसके तले में हमने नमक डाल दिया है, हम इसको कुकिंग करने के लिए रख लेते हैं जब तक हम हमारा बैटर रेडी कर लेते हैं। इसको जो ढक के हम इसको फीड कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब इसका जो है हम बैटर रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा दूध जो है मिलाएंगे। इसके अंदर जो है हम बेकिंग पाउडर भी मिला देते हैं। हमको जो हमारा बैटर इस कंसिस्टेंसी का चाहिए, थोड़ा सा इससे पतला हो तो भी चलेगा, पर इसको हम बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने और दूध मिला दिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके के छोटे टीन या तो आपको कोई भी शेप का चाहिए आप ले सकते हैं, बड़ा आपके पास गोल टीन जो आता है वो है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है घी से हम इसको ग्रीस करेंगे जिससे कि निकलने में आसानी हो। इसके अंदर जो थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, कोटिंग हो जाएगा। सेम प्रोसेस से इसमें भी हम कर देते हैं। एक्स्ट्रा मैदा है उसको हटा देंगे, इसमें भी कोटिंग हो गई। और इसके अंदर जो है भर देते हैं हमारा जो बैटर है उसको। दोनों को जो है टेप कर देंगे अच्छे से जिससे कि चारों तरफ समांतर फैल जाए गोली। तो ये हमारे टीन जो है वो बेक होने के लिए रेडी हो गए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये इडली का बर्तन है वो प्रीट हो गया, तो हम सावधानी से खोलेंगे इसको। इसके अंदर जो है आप चाहे तो 40 स्टैंड भी लगा सकते हैं, और 40 स्टैंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा हीट लगती है। तो हमने इस तरीके का ढोकला जो आता है उसको रखने का ये छेद वाला डिश आती है इसके साथ ही आती है, तो वो हमने रखा है तो थोड़ा सा हाइट हो जाती है, एकदम से चल नहीं जाएंगे नीचे। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं दोनों बर्तन को, दोनों टीन को इस तरीके से। तो जो उसके आसपास के छेद है उसमें से जो हीट आएगी उससे ये बेक हो जाएंगे। तो इसको जो है 15 से 20 मिनट तक हम बेक करेंगे, और अभी जो है हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने हाइट बढ़ा दी है, और फिर भी हम मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे जिससे कि ये इसमें क्रैक ना पड़ जाए। तो इसको ढक देते हैं। और अब इसको जो है मीडियम से हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक जो है बेक कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो है हमने इसको 10 से 15 मिनट तक जो है रख दिया है, तो एक बार इसको खोल के सावधानी से खोलेंगे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है बेहतरीन तरीके से बेक हो चुका है, और ये थोड़ा सा फट गया है, तो आई गेस कि इसमें जो है या तो हीट ज़्यादा लगी है थोड़ी सी, और अदरवाइज जो बेकिंग पाउडर जो है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो आप जो इसको हिसाब से डालें और गैस को थोड़ा सा स्लो रखें। अगर सोचिए अगर ये दोनों को मैंने तले पे रखा होगा तो ये कितना जल्दी बेक हो जाता। तो सो अगर आप एकदम तले पे रख रहे हैं तो आप जो है 10 मिनट या तो 7 मिनट के बाद इसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि छोटे से टीन के डब्बे हैं तो इसको जो है इसमें बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बिस्किट जो होते हैं ऑलरेडी बेक की हुई चीज़ है, तो उसको दोबारा बेक करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसको जो थोड़ा ठंडा हो देते हैं और बाद में इसको हम इसमें से निकालेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हमारे तीन जो है ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसको जो है निकाल लेते हैं। ये आसानी से हमने इसमें जो कोटिंग किया था, इस रीज़न से जो है आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बिस्किट केक बना है बहुत ही बेहतरीन बना है। यहाँ पे दो बिस्किट केक बना लिए। तो अब जो है ये रेसिपी में जो है आप एक्चुअल में ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चोको चिप्स कुछ भी ऐड करना कर सकते हैं, पर इसको हमने प्लेन इसलिए रखा है कि हमको एक और रेसिपी बनानी है जिसके अंदर इसको जो है हम काट देंगे और फिर जो है वेनिला स्कूप जो है उसके साथ सर्व करेंगे। तो वो भी रेसिपी की लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो और या तो रेसिपी जो है पसंद आई होगी, तो आपके एक्सपीरियंस जो कमेंट में शेयर करें। और उसके अलावा आप एक और चीज़ शेयर कर सकते हैं कि आपको जो है और कौन कौन से केक या तो कप केक्स या तो बेकिंग वाली कौन सी चीज़ जो है पसंद है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कर दीजिए इसको लाइक शेयर और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जाने से पहले कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट है, आपको कुछ बताना है। तो सबसे पहला हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है। जैसे कि आपको बताया होगा लाइफ में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम, परेशानियाँ, दिक्कतें, टेंशन, डिप्रेशन। तो कई बार जो है हम किसी को ये हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बता नहीं पाते हैं और अंदर अंदर हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक फॉर्म क्रिएट किया है। यहाँ पे आप अपने कुछ भी कन्फेशन है, बोधरेशन है, आपको जैसे कि कोई बुली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपकी बीवी परेशान कर रही है, या तो आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, या तो बच्चे हो ही नहीं रहे, शादी नहीं हो रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको एग्ज़ाम में मार्क नहीं मिल रहे, आप केट या तो यूपीसी की प्रिपरेशन जो है तो सीए की एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कतें हैं लाइफ में वो सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में बोरियत हो रही है तो यहाँ पे इस तरह की ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग की वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ ऑडियो आपको कन्फेशन करना है वो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसकी लिंक एक जनरेट हो जाएगी, उसको यहाँ पे शेयर कर दीजिए। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, ये कम स्पेशल टी शर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही स्पेशल टी शर्ट है, जब भी आप ये टी शर्ट पहनोगे तो वो दिन पे आप भी खुश रहोगे और दूसरों को भी आप हैप्पीनेस दोगे। तो आप जो है हैप्पीनेस किसी भी तरह से दे सकते हैं, आपके कुछ भी क्रिएटिव आइडिया है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, आप कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं घर में या तो आपकी सोसाइटी के अंदर, आप ऑर्फनेज में जाके कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आप ओल्ड एज होम में जाके वहाँ पे कुछ हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं, और आप जो होमलेस पीपल है उनको भी कुछ खाना दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, स्लम में रहते जो बच्चे हैं उनको जाके उनके साथ आप फुटबॉल खेल सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं आपकी जो भी क्रिएटिविटी है। और ये टी शर्ट जो है अलग अलग कलर में उपलब्ध है, तो ये इंडिया में अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं और आप अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं ये वाला जो है वेबसाइट। और एक्चुअल में ये यहाँ पे 1500 का पड़ता है और ये टी शर्ट जो है वो 700 के आसपास है, तो ये आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर ये टी शर्ट की लिंक अगर काम नहीं कर रही है तो ये फॉर्म एक है, वहाँ पे आप अपने डिटेल डाल दीजिए तो आपको एक नई लिंक जनरेट करके सेंड कर दी जाएगी। और एक इनिशिएटिव है यहाँ पे वीडियो एजुकेशन वर्कशॉप फॉर चेंज। तो ये जो वर्कशॉप है उसमें आपको कुछ किसी भी तरीके के वीडियोस बनाने हैं, ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना है, कुछ भी करना है, आपको मैथ पढ़ाना है, योगा पढ़ाना है, कुकिंग पढ़ाना है, आपको व्लॉगिंग करना है, ट्रैवल वीडियोस बनाना है, शॉर्ट फिल्म या तो जो छोटे बजट की जो फिल्म है वो बनानी है, कुछ भी है आप यहाँ से सीख सकते हैं। वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, किस तरीके की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, वेबसाइट कैसे बनाना है, और खास करके फंड रेजिंग, क्राउड फंडिंग कैसे करना है, कहाँ कहाँ से आप पैसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें जो है ये वर्कशॉप के अंदर सिखाई गई है। तो ये भी आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो बस ये तीन जो इनिशिएटिव है आपको शेयर करने थे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है पूरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, तो ये हमने एक डोनेशन का एक सपोर्ट का पेज क्रिएट किया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आइए, जब भी आपको शॉपिंग करना है,
अमेज़ोन इंडिया से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन यूएसए से, तो यहाँ पे आके कुछ भी आप खरीद लीजिए, आपको जो डिस्काउंट वाला जो प्राइस है वही मिलेगा आपको, मतलब जो वेबसाइट पे जो प्राइस दिखा रहा है वही प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलेगी, और हमको जो है ये वेबसाइट्स के थ्रू थोड़ा सा एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा, और हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली अच्छे से चला सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप को, हमारे माइक्रोफोन को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छे लगे होंगे, आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं या तो आप कोरा पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए और कुकिंग करते रहिए, थैंक यू।